हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ यमन और आज का हमारा ट्यूटोरियल है वेविंग पर। आज के इस ट्यूटोरियल में आप सीखोगे अल्टरनेट वेव। अल्टरनेट वेव को आप पेगमैन वेव भी बोल सकते हो, बट यहाँ पर अल्टरनेट वेव और पेगमैन वेव में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, तो आपको वो भी समझना होगा। और यदि आपको ये सीखना है तो सबसे पहले आपको बेसिक आर्म वेव आनी चाहिए। यदि आपको बेसिक आर्म वेव नहीं आती तो सबसे पहले आप बेसिक आर्म वेव सीखिए। और आर्म वेव को सीखने के लिए हमारा प्रीवियस ट्यूटोरियल देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक कीजिए और हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसके अंदर मैंने आपको डीप में बताया है कि बेसिक आर्म वेव कैसे करते हैं। तो उसे सीखने के बाद आप इस मूव को सीख सकते हैं। अल्टरनेट वेव थोड़ी सी टफ है, इसलिए मैंने इसे स्टेजेस में बनाया है। तो सबसे पहले हमारी स्टेज फर्स्ट होगी, फिर हम आपको उसे सीखना होगा, फिर हम थोड़े से ऐसे गेन करेंगे स्टेज टू, थर्ड और फोर्थ में। इस तरीके से हम सीखेंगे अल्टरनेट वेव को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टेप फर्स्ट, इस स्टेप में आपको इस तरह अपने एल्बो को बेंड करना है और फिर अपने हाथ को स्ट्रेट करना है। इसे आपको बोथ हैंड से करना है, पर इसे अल्टरनेट करना होगा। जब एक हाथ का एल्बो बेंड होगा तो दूसरा हाथ स्ट्रेट होगा। स्टेप सेकंड, आपको अपने पाम से वेव क्रिएट करना सीखना होगा। यदि आपको वेव नहीं आती तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और इससे वेव सीख सकते हैं। स्टेप थर्ड, अब आपको स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप थर्ड को कंबाइन करना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। स्टेज सेकंड, यह स्टेज में आपको स्टेज फर्स्ट की सभी स्टेप को फॉलो करना है, पर यहाँ आपको एक और वेव सीखना होगा। आपको पाम से रिवर्स वेव करना सीखना होगा। अब आपको फॉरवर्ड वेव के साथ स्ट्रेट हैंड को ज्वाइन करना होगा एंड रिवर्स वेव को एल्बो बेंड से ज्वाइन करना होगा। अल्टरनेट वेव स्टेप फर्स्ट, अल्टरनेट वेव को सीखने के लिए आपको लॉन्ग वेव सीखना होगा। इस वेव को सीखने के लिए आपको इस पैटर्न को फॉलो करना होगा। जब आप इसे सीख जाए तो सेम इस पैटर्न को रिवर्स में फॉलो करके रिवर्स वेव को भी सीखिए। आप जब इसे आगे लेकर आओगे तो इसे फॉरवर्ड वेव बोलेंगे और जब आप इसे पीछे लेकर जाओगे तो इसे रिवर्स वेव बोलेंगे। स्टेप सेकंड, अब आपने स्टेप फर्स्ट में जो भी सीखा है उसी को अपने बोथ हैंड से करना है और वो भी सेम टाइम में करना होगा। आपको इस स्टेप की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी वेव अच्छी दिखेगी। स्टेप थर्ड, अब आपको हैंड को अल्टरनेट मूव करना होगा। जब आपका लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड वेव करेगा तो आपका राइट हैंड रिवर्स वेव करेगा, और जब आपका लेफ्ट रिवर्स करेगा तो आपका राइट फॉरवर्ड करेगा। अब आपको सिर्फ इसे अल्टरनेट करने की कोशिश करनी होगी। स्टार्टिंग में आप कंफ्यूज होंगे, बट धीरे धीरे ये हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से आप ये धीरे धीरे कर पाएंगे। तो अल्टरनेट वेव में दो टाइप की आप वेव कर सकते हो। आप चाहो तो इसे शॉर्ट वेव में कन्वर्ट कर सकते हो, या आप चाहो तो इसे लॉन्ग वेव में कन्वर्ट कर सकते हो, बट दोनों को करने का तरीका अलग है। इसीलिए मैं इसे अल्टरनेट वेव और पेगमैन वेव बोलता हूँ। तो पेगमैन वेव है थोड़ी सी शॉर्ट वेव में आप बोल सकते हो कि शॉर्ट वेव से, और जो अल्टरनेट वेव है उसके अंदर आपको लॉन्ग वेव करनी होगी। दोनों सेम ही है। आप लॉन्ग वेव करोगे तो अल्टरनेट हो जाएगी, जो आप शॉर्ट वेव करोगे तो पैकमैन हो जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा बोन ब्रेकिंग पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टिल देन कीप डांसिंग।